हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। और जैसे कि आप लोग वीडियो देखे होंगे, मेरा MIUI 9.6.2.0 का, जो कि Redmi 4 के ऊपर आया था अपडेट, तो उसी वीडियो के बारे में मैंने बताया था, Part 1 Part 2 करके। तो ये YouTube वाला क्या फंडा है पता नहीं, हर वीडियो पे स्ट्राइक, मतलब मजाक बना के रख दिया है। कुछ इलीगल चीज़ नहीं बता रहे हैं, कुछ उसके गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ, ये लोग स्ट्राइक देने में बहुत आगे हैं। तो एक गलती मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने जब Part 2 डाला था तो उसमें Asphalt 9 का कॉपीराइटेड म्यूजिक था, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट करके दोबारा से री अपलोड किया, उस जो कॉपीराइटेड सॉन्ग था उस वीडियो को हटा के। तो उसे मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरा गलती था और मैंने उसे सुधारा, लेकिन दरअसल जो Part 1 है उसमें तो कहीं कुछ इलीगल नहीं था, ना कॉपीराइट था कुछ, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक बिना मतलब का दे दिया यूट्यूब वालों ने। ये बहुत ही खराब किया है, और ये यूट्यूब का बहुत ही खराब मतलब एल्गोरिदम है, या मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये रोज का हो गया है नौटंकी कि मतलब बिना मतलब का, बिना कोई गाइडलाइन फॉलो या ना करे हुए फिर भी स्ट्राइक भेज रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर के ऊपर कि क्या इन्होंने किया है और क्या लोचा हुआ है, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मेरा यहाँ कंप्यूटर खुला हुआ है, तो जैसे कि मैं गूगल क्रोम में दिखाता हूँ, तो ये रहा हमारा वीडियो जो कि Redmi 4 के ऊपर था, जो मैंने अपडेट के ऊपर बनाया था, जो कि Part 1 था। तो चलिए इसमें मैं खोल लेता हूँ, तो इसे इसके अंदर क्या स्ट्राइक आई है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा स्ट्राइक लगा हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा प्ले किया तो वो चलने लगा। तो देखिए ये फंडा यूट्यूब का, जब मन किया तब अननोन और इनफ्रीक्वेंट स्ट्राइक देते रहेंगे लोगों को, जिनका गलती भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ ये जो सेकेंड वीडियो मैंने डाला था उसमें मेरा गलती था, जैसे कि मैंने सुधारा और दोबारा से री अपलोड किया, तो मैं अपना गलती गलती मानता हूँ। जिसके ऊपर स्ट्राइक नहीं आया, बस आया स्ट्राइक आया था, लेकिन वो कॉपीराइट क्लेम था, तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो पहला वीडियो था उसमें बिन मतलब का स्ट्राइक देना कोई बात हुआ, बताइए आप लोग। अगर आप लोगों के साथ भी होता है ये, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, तो मैं भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हो चुका है, कम से कम 3-4 केसेस हो चुके हैं। तो मैं फेड अप हो चुका था, तो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि तुरंत 5 मिनट 3 मिनट बाद रिव्यू करने के लिए अभी अपील किया था मैंने, कम से कम 10-15 मिनट हुए होंगे, तो वापस से ठीक हो गया है, मुझे अभी पता चल रहा है। तो ये फंडा या जो हो रहा है, ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक या फेक कॉपीराइट क्लेम जो भी हो रहा है, इसे यूट्यूब वालों को सही करना चाहिए, क्योंकि इसे देख देख के मेरा दिमाग खराब हो चुका है, और बहुत सारे वीडियोस पे मेरे आ चुके हैं, अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ वीडियो में मेरा अभी भी डाउन है, 1 या 2 वीडियो, जैसे मैं वैसे उसमें गलती था मैं मानता हूँ, लेकिन आप फिर भी अनयूजुअल एक्टिविटीज जो करते हैं उन्हें मिलता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे 5 यूनिक URLs टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोज इन एनी डिवाइस, तो ये वीडियो मैंने बनाया था, जिसे कि हटा दिया गया। रीजन क्या दिया है, वीडियो रिमूव इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, जिसे मैं अपील कर सकता हूँ। दरअसल मैंने अपील नहीं किया है, तो क्या मैं इसे अपील करूँ या फिर ना करूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं इस कॉपीराइट इशू से थक चुका हूँ ये फंडा से। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है, अपील करूँ या ना करूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये वीडियो भी काफ़ी यूजफुल था, लेकिन मैं भी मुझे शुरुआत में लगा कि ये इनअप्रोप्रिएट होगा, इसलिए मैंने सोच के अपील नहीं किया। तो ये काफ़ी पुराना वीडियो है, देख सकते हैं 2017 में मैंने अपलोड किया था 12 दिसंबर को। तो ये वीडियो क्या मुझे अपील करना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर आप भी फेस कर रहे हैं ये सारे अनयूजुअल कॉपीराइट फेक स्ट्राइक्स की वजह से आप डिस्टर्ब हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ भी होता है ये, या फिर मेरे ही साथ स्पेशली हो रहा है। तो तब तक मैं मिलना चाहूँगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स, गुड बाय।